और स्क्रीन सभी को विजिबल है? यस सर। ओके ठीक है। सो यस्टरडे वी हैव सीन ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स। ओके वी आल्सो सीन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। ओके न्यूमेरिकल ऑलरेडी वी हैव कवर्ड फॉर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड फॉर ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स। ओके सो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट न्यूमेरिकल फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। ओके देन इन लास्ट वी विल डिस्कस कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। ओके सो नोट डाउन द क्वेश्चन फॉर सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। Okay, so note down the question. The state variable representation of a system is given by the state variable representation. The state variable representation of a system is given by the state variable representation of a system is given by x dot t equal to matrix of elements 0 1 0 minus 1 x of t. Okay, so this is my state equation. We also have output equation y of t equal to 0 1 x of t. Okay, this is my output equation. And one thing, we have x 0 in matrix form, value 1 0. According to the question, we want to determine response y of t. So you can write, find the response y of t. Okay, find the response y of t. So yahan par hum y of t kaise calculate kar sakte hain with the help of equation 2, राइट? बट इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग वी मस्ट नो फर्स्ट एक्स ऑफ टी एंड यू नो वी कैन कैलकुलेट एक्स ऑफ टी विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन। सो इफ वी विल डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन देन वी हैव एक्स ऑफ टी। आफ्टर पुटिंग एक्स ऑफ टी इन सेकेंड इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट वाई ऑफ टी और रिस्पॉन्स वाई ऑफ टी। ओके so according to the question, first is state equation because we have x dot t. So first we'll define state equation and second we'll define output equation. Okay, and the second we'll define output equation. Okay, so yesterday already I told you solution of state equation. So how we can define solution of state equation? How we can define solution of state equation? Any idea? How we can write solution of state equation? No. Okay. We can write solution of state equation with the help of x of t equal to phi function of t x 0 plus inverse Laplace of phi function of s matrix B capital U function of s. Okay, so with the help of this equation we can define solution of state equation or we can define the value of x of t. Okay, फाई टी का मीनिंग सबको क्लियर है? यहां पर फाई टी क्या था? स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ओके यस्टरडे ऑलरेडी वी हैव सीन हाउ वी कैन राइट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लाप्लास ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स। ओके एक्स ऑफ जीरो एज इट इज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्स ऑफ जीरो गिविन है
देन वी हैव इनवर्स लाप्लास ऑफ पाई ऑफ एस की वैल्यू कितनी थी, कल मैंने आपको बताई थी, एस आई माइनस ए इनवर्स, ओके, पी यू ऑफ एस, राइट। तो यहां पर हमने फाई ऑफ टी की वैल्यू पुट की, फाई ऑफ टी मींस स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, हमने फाई ऑफ एस की वैल्यू पुट की, जब कल हमने डेरिवेशन किया था तो उसमें फाई ऑफ एस की वैल्यू मैंने बताई थी, फाई ऑफ एस की वैल्यू थी एस आई माइनस ए इनवर्स, ओके। सो विद द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन वी कैन डिफाइन द सॉल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स ऑफ टी को कैलकुलेट करने के लिए वी वॉन्ट मैट्रिक्स ए, वी वॉन्ट मैट्रिक्स बी, ओके। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, विद द हेल्प ऑफ स्टेट इक्वेशन वी कैन डिफाइन मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, विद द हेल्प ऑफ आउटपुट इक्वेशन और विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटपुट इक्वेशन वी कैन डिफाइन matrix C and matrix D. If we compare given state equation with general state equation, okay, or if we compare given output equation with general output equation, okay, then we have matrix A, matrix B, matrix C and matrix D. Okay, so any idea? What is matrix A? What is matrix B? What is matrix C and what is matrix D? अजी, matrix A कौन सी है बताइए? 0 1 0 -1, राइट। आपको स्टैंडर्ड स्टेट इक्वेशन पता है, ओके, सभी को पता भी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट इक्वेशन क्या थी, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लीजिए। स्टैंडर्ड स्टेट इक्वेशन थी x डॉट t इक्वल टू ए एक्स ऑफ t प्लस बी यू ऑफ t। जब आप इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट के साथ, मैट्रिक्स a की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 0 -1, सो दिस इज माय मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स b की वैल्यू कितनी है, 0, ओके, बिकॉज वी डोंट हैव यू टी, That's why matrix B की वैल्यू कितनी है, 0। जब आप सेकेंड इक्वेशन को स्टैंडर्ड आउटपुट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, then we have matrix C and matrix D. So what is standard output equation? Pi of t equal to C x of t plus D u of t. Okay, and I think you know combinedly both will define state model. Okay, so if we compare standard output equation with given equation or with equation 2, then we have matrix C. Okay, so this is my matrix C. Okay, this is my matrix C. Matrix D ki value kitni hai? 0. Okay, so aap matrix A ki value likh lijiye, matrix B ki value likh lijiye, C ki value likh lijiye aur matrix D ki value likh lijiye. Waise hame requirement hai matrix A ki aur matrix B ki. ओके, बिकॉज फॉर्मूले में हमें मैट्रिक्स ए की रिक्वायरमेंट है और मैट्रिक्स बी की रिक्वायरमेंट है। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी वी हैव सीन, 0 1 0 -1, राइट, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है, 0। डन, यस और नो? अब हमें सबसे पहले एस आई माइनस ए कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले मैट्रिक्स एस आई माइनस ए कैलकुलेट करना है। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। आई का साइज ए के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है, तो ए का साइज कितना है, 2x2, दैट्स व्हाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज कितना होगा, 2x2, वैल्यू 1 0 0 1। डन, सो विद द हेल्प ऑफ ए, विद द हेल्प ऑफ आई, वी कैन इजिली डिफाइन मैट्रिक्स एस आई माइनस ए, ओके। बताइए वैल्यू कितनी आएगी, एस आई माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, एस आई की वैल्यू कितनी आएगी, एस 0 0 S माइनस मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है, 0 1 0 -1,
Okay, so what is the value of SI minus A? What is the value of SI minus A? कितना? S minus 1, 0, S plus 1. Yes or no? Yes or no? Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, fine, ठीक है. Next, अब आपको SI minus A inverse calculate करना है, okay? कल मैंने ऑलरेडी आपको बताया था मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सो हियर वी कैन डिफाइन SI माइनस A इनवर्स अकॉर्डिंग टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स SI माइनस A ओवर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स SI माइनस A. ओके, तो एडजॉइंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स का. शॉर्टकट मेथड था आपको, शॉर्टकट मेथड क्या था? आपको डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, ओके, और एंटी डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करना है. सो वी हैव एडजॉइंट ऑफ SI माइनस A अकॉर्डिंग टू कितना आएगा? S प्लस 1 0 S, यस और नो, राइट? और SI माइनस डिटरमिनेंट ऑफ SI माइनस A कितना होगा? डिटरमिनेंट कितना होगा मैट्रिक्स SI माइनस A का? सर 1 अपॉन S इनटू S प्लस 1. ओके ओके, ठीक है, S इनटू S प्लस 1, राइट? S इंटू S प्लस 1, ठीक है. अब आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है? सिंप्लीफाई के लिए एलिमेंट टू एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. इट मींस S प्लस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा S इंटू S प्लस 1 से, देन 1 को डिवाइड करना पड़ेगा S इंटू S प्लस 1 से, देन 0 को, देन S को. ओके, सो वी हैव SI माइनस A इनवर्स अकॉर्डिंग टू कितना? S प्लस 1 ओवर S इंटू S प्लस 1, 1 ओवर S इंटू S प्लस 1, 0 S ओवर S इंटू S प्लस 1, ठीक है. आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए. सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा? 1 बाई S, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बाई S, नेक्स्ट 1 ओवर S इंटू S प्लस 1, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0, राइट? नेक्स्ट एलिमेंट 1 ओवर S प्लस 1, ठीक है. तो दिस इज वैल्यू ऑफ SI माइनस A इनवर्स, ठीक है. लेकिन जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना था SI माइनस A इनवर्स का, राइट? सो लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट phi ऑफ t और हाउ वी कैन कैलकुलेट स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स phi ऑफ t. वी कैन कैलकुलेट phi ऑफ t विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लाप्लास ऑफ SI माइनस A इनवर्स. ओके, SI माइनस A इनवर्स ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, सो लेट अस सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. तो यहां पर मैट्रिक्स का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट? इट मींस सबसे पहले हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे 1 बाई एस का, नेक्स्ट हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे 1 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 का, नेक्स्ट हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे 0 का, यू नो 0, ओके. नेक्स्ट हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे 1 ओवर S प्लस 1 का, ओके. तो 1 ओवर S का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यू नो UT, UT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई S, 1 बाई S का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यू नो UT. 1 ओवर S इंटू S प्लस 1 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड. ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट 1 ओवर S इंटू S प्लस 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म, देन वी कैन डिफाइन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म. तो 1 ओवर S इंटू S प्लस 1 का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? A अपॉन S
प्लस बी अपॉन एस प्लस वन। तो आप यहां पर ए और बी कैलकुलेट कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ए की वैल्यू वन आएगी और बी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वन। ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर लेना, शॉर्टकट मेथड ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, आप शॉर्टकट मेथड से ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव फाइनली पाई ऑफ टी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट यू टी, सेकेंड एलिमेंट यू टी माइनस वन अपॉन एस प्लस वन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ई टू द पावर माइनस टी यू टी। ओके, नेक्स्ट जीरो, लास्ट ई टू द पावर माइनस टी यू टी। ओके, सो दिस इज वैल्यू ऑफ फाई ऑफ टी और दिस इज वैल्यू ऑफ स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स और दिस इज वैल्यू ऑफ इनवर्स लाप्लास ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स और वी कैन से दिस इज वैल्यू ऑफ ई टू द पावर ए टी। ओके फाइन, इतना ठीक है, यस और नो? यस सर। ठीक है, ओके। तो यहां से आपको दो फायदे हुए, जो लोग कल नहीं आए थे, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी आपने देख लिया कि हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट अस सी वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, एक्स ऑफ टी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, फाई ऑफ टी बोलो एक्स जीरो प्लस इनवर्स लाप्लास ऑफ कितना, एस आई माइनस ए इनवर्स मैट्रिक्स बी यू ऑफ एस। तो यहां यू ऑफ एस का मीनिंग है लाप्लास ऑफ इनपुट सिग्नल। ओके, यू ऑफ एस का मीनिंग है लाप्लास ऑफ इनपुट सिग्नल, लाप्लास ऑफ यू टी। ओके, यू टी मीन्स नॉट यूनिट स्टेप सिग्नल, बिकॉज इन स्टेट स्पेस एनालिसिस वी यूज यू टी फॉर इनपुट एंड वी यूज वाई टी फॉर आउटपुट। सो हेयर कैपिटल यू ऑफ एस मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी। ओके, यू टी यहां पर यूनिट स्टेप सिग्नल नहीं है, मेक श्योर, फाइन, ओके। लेकिन क्वेश्चन में आपको यू टी दिया नहीं है, ओके, अगर आपको इनपुट दिया होता तो आप उसके अकॉर्डिंग यू ऑफ एस की वैल्यू पुट कर सकते थे, राइट, बट यहां गिवन नहीं है तो उसको एज इट इज रखना है। सो लेट अस सी एक्स ऑफ टी, फाई ऑफ टी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, तो फाई ऑफ टी कितना है, फर्स्ट यू टी सेकेंड यू टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी यू टी। ओके, नेक्स्ट जीरो, नेक्स्ट ई टू द पावर माइनस टी यू टी। क्वेश्चन में आपको एक्स जीरो भी दिया हुआ है, कितना दिया है एक्स जीरो, एक बार आप देखकर बताएंगे मुझे, मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा सर, 1 0 1 0 फाइन, 1 0 ठीक है, ओके फाइन। अब प्लस, ओके, इनवर्स लाप्लास ऑफ एस आई माइनस ए इनवर्स ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी है। ओके, कितना था, कितना आया था एस आई माइनस ए इनवर्स, 1/s सेकेंड एलिमेंट 1/s इंटू एस प्लस वन, नेक्स्ट जीरो आया था, नेक्स्ट 1/s प्लस वन आया था, ठीक है। सो दिस इज माई मैट्रिक्स ऑफ वैल्यू एस आई माइनस ए इनवर्स, मैट्रिक्स बी की वैल्यू कितनी है, जीरो। ओके, तो अल्टीमेटली ये जीरो ही होना था, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया कि अगर मैट्रिक्स बी की वैल्यू जीरो नहीं आती है उस केस में आपको कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी। मैट्रिक्स बी जीरो थी, कैपिटल यू ऑफ एस एज इट इज डन, तो जो सेकेंड टर्म था वो अल्टीमेटली जीरो हो गया। ओके, तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा, आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का साइज है 2x2, 1 0 का साइज कितना है, 1 0 का साइज कितना है, 2x1, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका साइज कितना होगा, उसका साइज भी 2x1 होगा। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हम फर्स्ट रो कंसिडर करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के लिए हम कॉलम कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई करिए और आंसर बताइए कितना आएगा, बहुत ही सिंपल है ये तो।
वन से और जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर भी इसी फॉर्म में आएगा। बताइए कितना आएगा आंसर? e की पावर माइनस टी यू टी और e की पावर माइनस टी यू। नहीं नहीं, यूटी का मल्टीप्लाई वन से होगा तो यूटी आएगा, फिर जीरो का मल्टीप्लाई, हाँ तो केवल यूटी आएगा, यूटीएस राइट। फिर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट रो कंसिडर करो, वन का मल्टीप्लाई जीरो से जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई ई टू दी पावर माइनस टी यू टी से, वी हैव जीरो। सो आंसर यू कैन से 1 0, अगर हम यू टी कॉमन लें, वी हैव आंसर 1 0 यू टी। सो दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, लेकिन आपसे एक्स ऑफ टी नहीं पूछा था उसने, एक्स ऑफ टी मीन सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, हो सकता है आपसे सोल्यूशन पूछ ले, तो हेयर एक्स ऑफ टी विल डिफाइन सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन आपसे पूछा था उसने वाई ऑफ टी, ओके आपसे वाई ऑफ टी की वैल्यू पूछी थी, तो आप वाई ऑफ टी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटपुट इक्वेशन, ओके इक्वेशन सेकेंड जो गिविन थी वो आउटपुट इक्वेशन थी, आउटपुट इक्वेशन कितना थी, वाई ऑफ टी इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स 0 1, ओके मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 0 1 एक्स टी, तो यहां पर एक्स टी की वैल्यू पुट करिए जो आपने कैलकुलेट की है, सो वी हैव 0 1, ओके एक्स टी कितना है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स 1 0 यू टी, तो आई थिंक आंसर आएगा, आंसर 0 आ रहा है, आंसर 0 है, यस सर, ओके सो वी हैव आंसर वाई ऑफ टी इक्वल टू 0। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे पूरा क्वेश्चन ना पूछ के आपसे एसटीएम पूछ ले, ट्रांसफर फंक्शन पूछ ले, कल ऑलरेडी मैंने बताया था, हो सकता है आपसे स्टेट इक्वेशन का सोल्यूशन पूछ ले, एक्स ऑफ टी की वैल्यू पूछ ले, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक्स ऑफ टी गिविन हो आपसे वाई ऑफ टी पूछ ले, ओके सो हेयर वी हैव रिस्पॉन्स, हेयर वी हैव 0 रिस्पॉन्स, तो हेयर वी हैव वाई ऑफ टी इक्वल टू 0, ओके सो दिस इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, एक्स ऑफ टी मीन्स सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, ओके सो नाउ वी हैव सीन न्यूमेरिकल फॉर एसटीएम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, न्यूमेरिकल फॉर ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स एंड वन न्यूमेरिकल वी हैव सीन फॉर सोल्यूशन ऑफ स्टेट इक्वेशन, और हम इसके अलावा आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑलरेडी वी हैव सीन, ठीक है तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिट 2, राइट जब सब्जेक्टिव पेपर था तो भी क्वेश्चन पूछा जाता था और एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के, कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी से, तो लास्ट टॉपिक फॉर यूनिट 2, ओके कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, एक और होगा आइगन वैल्यू, वो अगर आपको आती भी होगी आपने आई थिंक मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, ठीक है सो लेट अस सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिट 2 कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, डन सभी नोट कर लिया, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है तो पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं क्योंकि थ्योरी से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ओके तो कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था कालमान ने, ओके सो फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट कालमान इन 1960, ओके फाइन, टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल ट्रांसफर फंक्शन मेथड, ओके कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय कालमान इन 1960 टू एस्टेब्लिश द वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल ट्रांसफर फंक्शन मेथड, ओके तो इन्होंने एक कालमान टेस्ट दिया जो मैट्रिक्स आती है फाइनली कंट्रोल सिस्टम को
सिस्टम कंट्रोलेबल है या नहीं है, सिस्टम ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, तो जो मैट्रिक्स आती है उसको हम कालमन टेस्ट भी बोलते हैं. तो वी हैव कालमन टेस्ट फॉर कंट्रोलेबिलिटी, वी हैव कालमन टेस्ट फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी. फाइन, ओके. सो लेट अस सी हाउ वी कैन डिफाइन कंट्रोलेबल सिस्टम और हाउ वी कैन डिफाइन कंट्रोलेबिलिटी. ओके, तो कंट्रोलेबिलिटी का मतलब हुआ, यहां कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी आपका स्टेट के लिए है. ओके, तो हम सिस्टम को कंट्रोलेबल बोल सकते हैं इफ एनी इनिशियल स्टेट, एनी इनिशियल स्टेट मींस यू कैन से एक्स टी नॉट, ओके, कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी फाइनल स्टेट. फाइनल स्टेट यू कैन से एक्स टी एफ इन अ फाइनाइट टाइम. ओके, फाइनाइट टाइम मींस टी एफ greater than equal to zero by some control input u of t. Okay, our system is said to be controllable if any initial state x t naught can be transferred to any final state x t f in a finite time, t f greater than equal to zero by some control input u of t. Because you know, in state space analysis approach, we use ut to define input for the system. Okay, so controllability is the ability of control input to affect each state variable. It is ability of the control input to affect each state variable. Okay, so controllability is the ability of the control input to affect each state variable. Okay, so here we have a systematic method, or you can say Kalman test, to define control system, to define controllability of the system. So let us see Kalman test. Let us see Kalman test for controllability. Kalman test for controllability. ठीक है, इसका अभी एक डेरिवेशन था बट रिक्वायर्ड नहीं है, एमसीक्यू के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. तो जो मैं पॉइंट बोलूंगा उसको ध्यान से नोट करना, ओके, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं सभी से ऑब्जेक्टिव आ सकता है. ओके, सो लेट अस सी Kalman test for controllability. We know state equation is given by, state equation क्या थी हमारी, state equation क्या थी हमारी, x dot t equal to a x of t plus b u of t. Yes or no? Yes or no? Yes sir. ठीक है, okay. So system is completely state controllable. System controllable means state controllable. So system is completely, system is completely controllable or state controllable, state controllable if determinant of controllability matrix QC, QC means controllability matrix. If determinant of controllability matrix does not equal to zero, or determinant of controllability matrix is equal to negative value. अगर ये condition satisfy होती है तभी system completely स्टेट कंट्रोलेबल होगा. तो यहां कंट्रोलेबल का मीनिंग है स्टेट कंट्रोलेबल. ओके, यहां कंट्रोलेबल का मीनिंग है स्टेट कंट्रोलेबल. क्यूसी क्या है आपका, कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स और कंट्रोलेबिलिटी मैट्रिक्स. तो कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स को हम लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स बी. ओके, कॉलन, कॉलन का मतलब है हमें मैट्रिक्स को
इसको जो हमारा क्यू सी आएगा वो ऑक्यूमेंटेड मैट्रिक्स होगा. हम बी में कुछ ऐड कर रहे हैं, राइट. ऐड करने का ऐसा मतलब नहीं कि हम दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, राइट. हम उसमें रो या कॉलम इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अदर मैट्रिक्स. ओके, तो जो फाइनल मैट्रिक्स आती है उसको हम ऑक्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं. सो हियर वी हैव क्यू सी इक्वालिटी टू मैट्रिक्स बी कॉलन मैट्रिक्स ए बी कॉलन मैट्रिक्स ए स्क्वायर बी, ओके, अप टू कॉलन मैट्रिक्स ए पावर एन माइनस वन मैट्रिक्स बी. ओके, सो दिस इज माई कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स. तो हमें सबसे पहले स्टेट मॉडल के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स ए की जरूरत होगी, मैट्रिक्स बी की जरूरत होगी, फिर हम कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स लिखेंगे, उसका डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे. अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है या नेगेटिव है तभी सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोलेबल होगा. बट यहां पर एन क्या है, क्योंकि एन के अकॉर्डिंग ही तो डिसाइड होगा कि क्यूसी कितना आएगा. तो यहां एन है ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. एन का मीनिंग क्या है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. एन मींस ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. और यू कैन से नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ द स्टेट वेरिएबल, नंबर ऑफ द स्टेट वेरिएबल, नंबर ऑफ द स्टेट वेरिएबल. तो यहां से आप n डिसाइड कर लेंगे, जितने स्टेट वेरिएबल होंगे उतना ही n होगा n के अकॉर्डिंग. अब स्टेट वेरिएबल कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अगर आपको a का साइज 2x2 दिया हुआ है, इसका मतलब स्टेट वेरिएबल दो होंगे. अगर a का साइज 3x3 है तो स्टेट वेरिएबल 3 होंगे. वैसे स्टेट वेरिएबल भी आपको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया होगा, लेकिन होता क्या है कि वो कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में ना देके केवल xt लिख देता है. तो अगर xt है तो वहां से हम नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स डिसाइड नहीं कर सकते. वी कैन डिसाइड विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ए अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द मैट्रिक्स. इफ वी हैव मैट्रिक्स ए ऑफ साइज 2x2 वी कैन से वी हैव टू स्टेट वेरिएबल्स. इफ वी हैव मैट्रिक्स ए ऑफ साइज 3x3 वी कैन से वी हैव 3 स्टेट वेरिएबल्स. सो n मींस ऑर्डर ऑफ द सिस्टम और नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ order of the system with the help of number of state variables we can decide n. okay, after deciding n we can define controllability test matrix. done, itna theek hai, yes or no, itna theek hai, yes itna theek hai, is kisi notation mein koi problem to nahi hai. okay, akanksha, kisi notation mein koi problem to nahi hai? नहीं सर. ओके, हाँ, कुछ पॉइंट और मैं नोट करा रहा हूँ, आप उसको भी नोट कर लीजिए. फर्स्ट पॉइंट है, सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्यूसी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. सिस्टम इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्यूसी, रैंक ऑफ controllability test matrix is equal to order of the system, is equal to order of the system. तो अगर आप चाहते हैं कि okay, आपको determinant calculate नहीं करना, तो आप controllability test matrix की rank भी calculate कर सकते हैं. अगर rank की value order के equal है, we can say system completely controllable होगा. So you can say R equal to N. R means rank of the matrix QC, N means order of the system. ठीक है, तो ये objective में पूछा जा सकता है. Done. Okay. And second point, system will not be completely controllable. System will not be completely controllable. Completely controllable. Or you can say system is uncontrollable if rank of matrix is less than order of the system.
rank of matrix means rank of QC is less than order of the system, तो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि सिस्टम अनकंट्रोलेबल कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन होगी. ओके, सो यू कैन से सिस्टम इज कंप्लीटली, सिस्टम विल नॉट बी कंप्लीटली कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, सो यू कैन राइट R less than n. R means rank of the matrix QC, n means order of the system. ठीक है, आप R less than n के according पता कर सकते हैं कि system आपका uncontrollable होगा या completely controllable नहीं होगा. ठीक है, तो if R less than 1, we can define number of uncontrollable states. So here we can also define number of uncontrollable states. नंबर ऑफ अनकंट्रोलेबल स्टेट्स कितनी होंगी? एन माइनस आर. ओके, एन मीन्स ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, आर मीन्स रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ अनकंट्रोलेबल स्टेट्स. ठीक है, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ अनकंट्रोलेबल स्टेट्स. Fine, okay. Last point, you can note rank of matrix QC equal to n. QC means controllability test matrix equal to n. N means order of the system. If determinant of QC does not equal to 0. ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है. रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्यूसी इक्वल टू एन इफ डिटरमिनेंट ऑफ क्यूसी डज नॉट इक्वल टू जीरो. रिजल्ट क्या है? या तो आप रैंक कैलकुलेट करिए या फिर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करिए. ओके, अगर आप रैंक कैलकुलेट करते हैं, रैंक की वैल्यू एन के इक्वल है, तब सिस्टम कंट्रोलेबल होगा. अगर आप डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है या फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है, तब भी सिस्टम कंट्रोलेबल होगा. क्यूसी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप उसकी रैंक या फिर उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज कालमान टेस्ट टू डिफाइन कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए. इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. तो मेरा सजेशन तो यही है कि रैंक कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में देखा भी होगा, वी हैव डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. ओके, और कैलकुलेटर में 991 में फैसिलिटी है कि वहां से रैंक डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाती है, बट आपको देखना पड़ेगा कि कैलकुलेटर में फंक्शन है या नहीं है. ओके, 991 में तो है, 100 एमएस में नहीं है. ओके, तो आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि ओके, अगर रैंक की वैल्यू ऑर्डर के बराबर है तब सिस्टम कंट्रोलेबल होगा, रैंक की वैल्यू ऑर्डर के बराबर नहीं है तब सिस्टम अनकंट्रोलेबल होगा. ठीक है, तो कंट्रोलेबल. ओके, डन. किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. कंट्रोलेबिलिटी से किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए. यथार्थ कुछ पूछना है? आकांक्षु आप बताओ. नो डाउट, क्लियर सर. ओके, और किसी को कुछ पूछना है? आयुष, आयुष है? यस सर, नो डाउट सर. ओके, रितिका. सर एक प्रॉब्लम आ रही है सर. हाँ जी बताओ. सर गूगल मीट पे क्लास ऑटोमेटिक लीव हो जाती है अपने आप ही हर 15-20 मिनट में. तो एक काम करना, मैं बता रहा हूँ, जो आपका ब्राउजर हिस्ट्री है उसको डिलीट कर देना. ठीक है, उसके बाद फिर ज्वाइन करना. ओके सर. अच्छा, जैसे मैं फोन से कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐप से कर रहा हूँ फिर भी? हाँ, ऐप से तो नहीं होना चाहिए, ऐप से तो नहीं होना चाहिए. एक बार आप रीस्टार्ट कर लिया करो फोन. ओके सर, फोन से तो ऐसी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट
अगर जैसे कई बार ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिकली लीव हो रही थी, तो फिर मैंने ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट किया और कैचे सारे डिलीट किए, उसके बाद फिर ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेबिलिटी आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल आपको बता दूंगा। ओके, अच्छा, ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है? कंट्रोलेबल का मतलब था कि स्टेट के अकॉर्डिंग हम बोल रहे थे कि सिस्टम कंट्रोलेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टेट वेरिएबल की डिपेंडेंसी इनपुट पर है, ओके, तो इसका मतलब है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, लगा अगर स्टेट वेरिएबल की डिपेंडेंसी इनपुट पे नहीं है, इसका मतलब आप सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सेम वे में ऑब्जर्वेबिलिटी का क्या मीनिंग है? जैसे नाम है उसका ऑब्जर्व, ऑब्जर्व क्या करना है आपको? ऑब्जर्व क्या करना है आपको? ओके, आपको ऑब्जर्व करना है, स्टेट को ऑब्जर्व करना है। और स्टेट को आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? कंप्लीटली आप स्टेट को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? और यहां किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का, स्टेट की बात नहीं हो रही है, सिस्टम में जितनी भी स्टेट हैं आप सभी को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर पाए विद दी हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, तब हम बोल सकते हैं कि सिस्टम हमारा कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल है। तो ऑब्जर्व और कंट्रोलेबल का मीनिंग स्टेट से था, तो वहां हम बोल रहे थे कि ओके, अगर स्टेट वेरिएबल की डिपेंडेंसी इनपुट पर है, इट मीन्स कंट्रोलेबल है, डिपेंडेंसी इनपुट पर नहीं है, इट मीन्स अनकंट्रोलेबल है। यहाँ ऑब्जर्वेबल मीन्स अगर आप सिस्टम की सारी स्टेट को ऑब्जर्व कर पाते हैं विद दी हेल्प ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, यू कैन से सिस्टम आपका कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल है। सो यू कैन से आ सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल इफ एवरी स्टेट मीन्स यू कैन से एक्स टी नॉट। ओके, तो आप लिख लीजिए ऑब्जर्वेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी मीन्स इफ सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल, अ सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल इफ एवरी स्टेट मीन्स एक्स टी नॉट कैन बी एग्जेक्टली डिटरमाइंड फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ आउटपुट पाई ऑफ टी ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, लेस देन इक्वल टू टी एफ। ओके, तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं, यू कैन से सिस्टम आपका कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल होगा। तो यू कैन से सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल इफ एवरी स्टेट कैन बी कंप्लीटली आइडेंटिफाइड बाई मेजरिंग दी आउटपुट विद इन अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, विद इन अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल इफ एवरी स्टेट कैन बी कंप्लीटली आइडेंटिफाइड बाई मेजरिंग दी आउटपुट विद इन अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तब हम सिस्टम को ऑब्जर्वेबल बोलेंगे। डन, इतना ठीक है? डन, ठीक है। ऑब्जर्व, हाँ, ऑब्जर्व, हमें हमें ऑब्जर्व किसको करना है? यहाँ हमें ऑब्जर्व करना है स्टेट को, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हमें यहाँ ऑब्जर्व करना है स्टेट को। ठीक है, तो स्टेट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, ओके, सिस्टम जो है उसमें जो आपके मेमोरी एलिमेंट्स हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना आउटपुट मिलेगा वो हमें ऑब्जर्व करना है, हमें स्टेट को ऑब्जर्व करना है। तो अगर हम सिस्टम के लिए स्टेट को ऑब्जर्व कर पाते हैं या हम स्टेट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं विद दी हेल्प ऑफ आउटपुट विद इन अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, वी कैन से सिस्टम हमारा कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल होगा। तो कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल मीन्स इफ एवरी स्टेट यू कैन कंप्लीटली आइडेंटिफाइड बाई मेजरिंग द आउटपुट ऑफ द सिस्टम वाई ऑफ टी विद इन अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यू कैन से यू हैव कंप्लीटली
ऑब्जर्वेबल सिस्टम, ठीक है ओके। कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी सबको क्लियर है ओके। ऑलरेडी वी हैव सीन कालमान टेस्ट फॉर कंट्रोलेबिलिटी, नाउ लेट अस सी कालमान टेस्ट फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी। नाउ लेट अस सी कालमान टेस्ट फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी ओके। कालमान टेस्ट फॉर ऑब्जर्वेबिलिटी, ठीक है। सो लेट अस सी, स्टेट इक्वेशन क्या थी, x डॉट t इक्वल टू ax ऑफ t प्लस b u ऑफ t, डन। आउटपुट इक्वेशन क्या थी, y ऑफ t इक्वल टू cx ऑफ t प्लस d u ऑफ t, डन। और जनरली मैट्रिक्स d और इनपुट आउटपुट कपलिंग मैट्रिक्स d और ट्रांसमिशन मैट्रिक्स की वैल्यू जीरो होती थी, done. So we have output equation y of t equal to cx of t, ठीक है ओके फाइन। अब सिस्टम कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल कब होगा, जब सिस्टम कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो ओके। सिस्टम आपका कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल कब होगा, यहां लिख लीजिए आप पॉइंट वन, सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो। Q नॉट का मतलब है ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स और ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स ओके। Q नॉट का मीनिंग है ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स और ऑब्जर्वेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां हम Q नॉट कैसे लिखेंगे, लेट अस सी Q नॉट की वैल्यू क्या होगी। वहां हमने QC लिखा था रो मैट्रिक्स की फॉर्म में, यहां हमें Q नॉट लिखना है कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सी ओके। कॉलन, कॉलन का मतलब वी वांट ऐड नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अकॉर्डिंग टू न्यू मैट्रिक्स। सो यू कैन से जो क्यू नॉट आएगा वो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होगी ओके। सो वी हैव सी फर्स्ट, देन वी हैव सी ए, देन वी हैव सी ए स्क्वायर ओके, इन लास्ट वी हैव सी a पावर n माइनस वन ओके। एंड सेम जैसा मैंने आपको कंट्रोलेबिलिटी में बताया था, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, एंड मीन्स ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम और यू कैन से नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, डन। इतना क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम सी डिफाइन करेंगे, मैट्रिक्स ए डिफाइन करेंगे, एन डिफाइन करेंगे, क्यू नॉट लिखेंगे, क्यू नॉट का डिटरमिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे। अगर नॉन जीरो आता है उस केस में आप बोल सकते हैं कि सिस्टम आपका कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल होगा, डन। जो कंडीशन मैंने आपको रैंक के अकॉर्डिंग कंट्रोलेबिलिटी में बताई थी, सेम कंडीशन यहां पर भी है। सो यू कैन राइट सिस्टम इज कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल इफ रैंक ऑफ क्यू नॉट, इफ रैंक ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, और यू कैन से इफ आर इक्वल टू एन, इफ यू हैव आर इक्वल टू एन, सिस्टम आपका कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल होगा। और आर की वैल्यू एन के इक्वल कब होगी, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू नॉट डज नॉट इक्वल टू जीरो ओके फाइन। सिस्टम अनऑब्जर्वेबल कब होगा, जब आर की वैल्यू एन से कम होगी। सिस्टम आपका अनऑब्जर्वेबल कब होगा, जब आर की वैल्यू एन से कम होगी, और यू कैन से रैंक ऑफ क्यू नॉट लेस देन एन, फाइन, रैंक ऑफ क्यू नॉट लेस देन एन, और यू कैन से इफ यू हैव डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, सिस्टम क्या होगा, अनऑब्जर्वेबल और नॉट ऑब्जर्वेबल,
फाइन ओके। तो नंबर ऑफ अनऑब्जर्वेबल स्टेट्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको कंट्रोलेबिलिटी में बताया था, इन सेम वे हियर वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ अनऑब्जर्वेबल स्टेट्स, नंबर ऑफ अनऑब्जर्वेबल स्टेट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एन माइनस आर, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टेट्स कितनी होंगी, आर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टेट्स कितनी होंगी, आर। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेबल स्टेट्स वी हैव आर, ठीक है फाइन, वी हैव आर। तो दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। तो यहां से एमसीक्यू में डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है कि सिस्टम कंट्रोलेबल कब होगा, कंप्लीटली कंट्रोलेबल कब होगा, या कंप्लीटली स्टेट कंट्रोलेबल कब होगा, या फिर सिस्टम कंप्लीटली ऑब्जर्वेबल कब होगा। रैंक के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है और डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है। डन, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। सर हाँ जी सर, कहीं कहीं पे ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट में वहां पे हमने ये क्यू कोड डिफाइन किया है, मैट्रिक्स सी सी ए सी ए स्क्वायर, कहीं कहीं यहाँ पे ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी दे रखा है, सी सी ए का ट्रांसपोज। हाँ तो इसका क्या है सर? नहीं, वो भी सेम थिंग ही है, हमने हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है ना। हमने हमने ऑब्जर्वेबिलिटी को कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। मैं इसको रो की फॉर्म में भी लिख देता हूँ, तो मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा ना। देखो मैं इसको लिख देता हूँ, राइट, अभी मैं लिख देता हूँ, समझ में आ गया सर। तो आपको कैसे, वो रो में दे रखा है, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सी ट्रांसपोज कॉलन, उसमें चेंज हो जाएगा, वहां होगा सी ट्रांसपोज कॉलन ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, डन कॉलन, नेक्स्ट होगा यहां मैं लिख, चलो यही लिख देता हूं, ए ट्रांसपोज स्क्वायर, पहले ट्रांसपोज देना है फिर स्क्वायर करना है, और जो आंसर आएगा उसको सी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है, डन। और लास्ट में जैसे हमने यहां लिखा था सी ए पावर एंड माइनस वन, लास्ट क्या होगा, लास्ट होगा यहां पर ए ट्रांसपोज पावर एन माइनस एन सी ट्रांसपोज। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मुझे तो कॉलम मैट्रिक्स वाला सिंपल लगता है, तो इसीलिए मैंने आपको कॉलम मैट्रिक्स वाला बता दिया, क्योंकि उसको उसको मेमोराइज करना आसान है, और इसको थोड़ा सा मेमोराइज करना टफ है, क्योंकि सी ट्रांसपोज है और ए और सी की पोजीशन भी चेंज हो गई यहाँ पे, तो वी हैव ए ट्रांसपोज देन सी ट्रांसपोज, बट इन कॉलम फॉर्म फर्स्ट वी हैव सी देन वी हैव ए, ओके। सो इट इज अप टू यू, इफ यू वांट फर्स्ट वन यू कैन कंसीडर फर्स्ट वन टू डिफाइन ऑब्जर्वेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स, इफ यू आर कंफर्टेबल इन सेकेंड वन you can define controllability test matrix with the help of second one, ठीक है। तो हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि objective type में first वाला ना दे के second वाला दे दे, क्योंकि objective में तो वो पूछ सकता है कि observability test matrix हम कैसे लिखते हैं, what is correct form to write observability test matrix, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए, okay? ठीक है students, ठीक है, yes or no? यस सर, ठीक है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बस दो मिनट का टाइम लगेगा, कंट्रोलेबिलिटी का देख लेते हैं, ऑब्जर्वेबिलिटी का हम कल देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन, तब दो मिनट के बाद सब लोग लीव करेंगे, जल्दी हो जाएगा, ओके। सो नोट डाउन द क्वेश्चन, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डायनामिक इक्वेशन, सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डायनामिक इक्वेशन, डायनामिक इक्वेशन मीन्स वी हैव स्टेट मॉडल एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट इक्वल टू माइनस वन वन जीरो वन जीरो माइनस वन सॉरी देन वी हैव एक्स वन देन वी हैव एक्स टू प्लस कितना वन जीरो जीरो वन यू डन डिटरमाइंड ऑन द कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम
कमेंट ऑन कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कमेंट ऑन कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, आपको बताना है कि सिस्टम कंट्रोलेबल होगा या नहीं होगा. कमेंट ऑन कंट्रोलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम. तो आप पहले मुझे ये बताइए कि इसमें मैट्रिक्स ए कौन सा होगा और मैट्रिक्स बी कौन सा होगा. आपको स्टेट इक्वेशन गिवन है, ये तो सबको क्लियर है ना. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव स्टेट इक्वेशन. तो फर्स्ट मैट्रिक्स किसको डिफाइन करेगी, मैट्रिक्स ए को, और सेकंड किसको डिफाइन करेगी, मैट्रिक्स बी को. यहां पर आउटपुट इक्वेशन नहीं दी हुई है, इसका मतलब मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी आप डिफाइन नहीं कर सकते. तो यहां मैट्रिक्स ए की वैल्यू कितनी है, -1, 1, 0, -1, और इसका साइज कितना है, 2x2. हम n डिसाइड करते थे ऑर्डर ऑफ द सिस्टम. अब हम ऑर्डर कैसे डिसाइड करें स्टेट मॉडल में, या तो हम इसके अकॉर्डिंग x1 डॉट लिखें, x2 डॉट लिखें, फिर हम ट्रांसफर फंक्शन निकालें. ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है. a का जो साइज होगा 2x2 है, और a हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. डन. तो a का जो साइज होगा वही n की वैल्यू होगी. ओके तो a का साइज है 2x2, इट मींस वी हैव n इक्वल टू 2, राइट. तो किसी को n डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. आई एम सेइंग n मींस ऑर्डर ऑफ द सिस्टम और नंबर ऑफ द स्टेट वेरिएबल्स. सो विद द हेल्प ऑफ स्टेट इक्वेशन यू कैन इजीली डिफाइन, यू हैव टू स्टेट वेरिएबल्स x1 x2. ओके सो यू हैव n2. अदरवाइज अगर ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखना है तो आप a का साइज देखिए, a हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, मे बी 2x2, मे बी 3x3 और मे बी 4x4. So we have n according to size of the matrix A. Done. तो n की value 2 होगी. B कितना दिया है question के according, 1, 0, 0, 1. Done. इसका size भी 2x2 है, but इसके size से हमें कोई लेना देना नहीं है, जितना भी दिया हो it's okay, no issue. अब हमें लिखना है QC, controllability test matrix. बताइए क्या होगी controllability test matrix, जल्दी से बताओ बच्चों, कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स क्या होगी. ए भाई क्या लिखी, हाँ हाँ अच्छा क्या लिखी थी मैंने कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स, B:AB: कितना, a² b (a^n-1b). अब इसको लिखेंगे कैसे, n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब n-1 कितना होगा, 1 ही तो होगा, तो इसका मतलब a^1 होगी. इट मींस बी तो आएगा ही आएगा, और जो ए बी वाले कॉम्बिनेशन होंगे वो एन के अकॉर्डिंग आएंगे. तो यहां एन माइनस वन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब केवल ए बी आएगा. डन, इतना ठीक है, यस और नो. तो क्यूसी की वैल्यू कितनी होगी, क्यूसी में मैट्रिक्स बी होगी और क्या होगा साथ में, कॉलन मैट्रिक्स ए बी. तो ए बी को ऑग्यूमेंट करना है बी में. तो लेट अस सी कि क्यूसी कैसे लिखना है. मेन थिंग पहले बी लिख दो एज इट इज. बी कितना है, बी बताओ, बी कितना था बोलो भाई, 1, 0, 0, 1. आप कॉलन नहीं लगा रहा हूं मैं, कॉलन नहीं लगाना है आपको, मेक श्योर. ए बी लिखना है तो हमें ए बी तो पता नहीं है, पहले ए बी निकालेंगे. मैट्रिक्स ए कितना था, -1, 1, 0, -1, और मैट्रिक्स बी कितना था, पहले मल्टीप्लाई कर लेते ना, ए बी निकालने के लिए ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बी था 1, 0, 0, 1. तो बताइए मुझे ए बी कितना आएगा, मैं लिख देता हूं आप लोग वेरीफाई कर लेना. ए बी आएगा -1, 1, 0, -1, यही आएगा सेम, यस और नो, यस. ठीक है तो ए बी मैं लिख देता हूं, ए बी की वैल्यू है -1, 1, 0, -1. तो मैं इस तरीके से यूज कर ले रहा हूं ना, आपको याद रहे कि इसमें ए बी मैट्रिक्स है और दूसरा वाला ए बी मैट्रिक्स है. सो दिस इज माई क्यूसी. क्यूसी मतलब कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है. तो जो क्यूसी आया उसी को हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपने ए बी को ऑग्यूमेंट किया बी में, दैट्स वाई वी हैव क्यूसी. अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालें, कौन बताएगा,
इसका डिटरमिनेंट हम कैसे निकालें? अच्छा मैट्रिक्स का साइज बताओ, मैट्रिक्स का साइज 2x4, बोलो भाई मैट्रिक्स का 2x4, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हैं? बोलो इसका डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो? तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मे बी 2x2 नहीं है, 3x3 नहीं है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां सब मैट्रिक्स लेनी पड़ेंगी। तो कितनी सब मैट्रिक्स यहां पॉसिबल है? फर्स्ट सब मैट्रिक्स, सेकेंड सब मैट्रिक्स, ओके, थर्ड सब मैट्रिक्स, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? तो आपको सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। पहले 1001 का डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो डिटरमिनेंट इसका 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट का हमें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0 - 1 - 10, कितना आएगा डिटरमिनेंट? कितना आएगा डिटरमिनेंट? 1 आएगा। नेक्स्ट है -1 - 1 का डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो अगर सारे सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तभी सिस्टम आपका कंप्लीटली कंट्रोलेबल होगा। किसी भी सब मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट जीरो हुआ, उस केस में सिस्टम आपका कंप्लीटली कंट्रोलेबल नहीं होगा। तो यहां पर हमें जितनी भी सब मैट्रिक्स हैं सबका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर सभी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, सभी का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, ओके, सभी का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, तभी सिस्टम हमारा कंट्रोलेबल होगा। अगर किसी भी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आया, उस केस में सिस्टम आपका कंट्रोलेबल नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, सभी के लिए नॉन जीरो है, इट मीन सिस्टम क्या होगा? कंट्रोलेबल होगा, ठीक। ये तो फर्स्ट मेथड है। आप चाहें तो क्यूसी की रैंक भी निकाल सकते हैं। अगर आपको रैंक फाइंड आउट करना आती है तो आप क्यूसी की रैंक निकाल लीजिए, ओके। तो क्यूसी की जो रैंक आएगी, या कैलकुलेटर से भी हम रैंक निकाल सकते हैं, क्यूसी की जो रैंक आएगी वो 2 आएगी। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो वो आएगी 2। 2 किसके इक्वल है? एन के इक्वल है। सो वी कैन से सिस्टम आपका कंट्रोलेबल होगा, ओके। सो दिस इज कालमान टेस्ट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स एंड अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ कंट्रोलेबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स वी कैन डिफाइन सिस्टम इज कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, ओके। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ओके, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो बताइए। डन, ओके। तो ऑब्जर्वेबिलिटी आपको मैं कल बता दूंगा।